मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर साल सैलानी लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, उज्जैन का महाकाल मंदिर और पचमढ़ी आदि देखने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। लेकिन अगर आप फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बजाय ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां भीड़ भाड़ कम हो और आप रिलैक्स करते हुए घूमने का मज़ा उठा सकें, तो इस लिहाज से भी यहां आपको मनपसंद विकल्प मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही सात खूबसूरत डेस्टिनेशंस के बारे में जहां जाकर आप रिफ्रेश और रिलैक्स्ड फील करेंगे। मध्य प्रदेश के छिपे खजाने में सबसे पहला नगीना है तामिया हिल्स। अगर आप पहाड़ों और ग्रीनरी का मज़ा लेना चाहते हैं तो हरियाली से घिरा तामिया हिल स्टेशन आपका मन मोह लेगा। ब्रिटिश काल में निर्मित तामिया हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, कैंपिंग आदि आप कर सकते हैं। तामिया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है। तामिया पचमढ़ी से ज़्यादा खूबसूरत और कम भीड़ भाड़ वाला है। तामिया हिल स्टेशन अपने हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य और सनसेट पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कई दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं जो भारत में कहीं और नहीं मिलती। तामिया के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भोपाल, नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और पिपरिया हैं, जहाँ से आप बस या टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। एमपी के हिडन प्लेसेस की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मंदसौर जिले का छोटा सा गांव कमला। हम सभी ने गोवा जाने का प्लान कभी ना कभी बनाया ही होगा और अक्सर कम बजट या कम समय होने की वजह से ये प्लान कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन शायद अब आपकी इस जगह पर घूमने की ख्वाहिश कम बजट में पूरी हो सकती है। तो ये है मध्य प्रदेश का मिनी गोवा। मध्य प्रदेश का ये मिनी गोवा चंबल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ चंबल का किनारा इतना चौड़ा है कि आपको कोई छोर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। इस मिनी गोवा में दो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जो नदी के बीच में आपको किसी आइलैंड की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण यहाँ का नज़ारा समुद्र के जैसा लगता है। मंदसौर से बाय रोड आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगली ऑफ बीट लोकेशन है सैलानी आइलैंड या सैलानी टापू। इंदौर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम के बैक वाटर पर स्थित सैलानी आइलैंड प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और शहर की हलचल से दूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। इंदौर और खंडवा जैसे शहरों से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर होने के कारण यह एक अच्छा वीकेंड गेटवे भी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के सैलानी आइलैंड रिजॉर्ट में आप स्टे के साथ यहाँ स्पीड बोट, वाटर स्कूटर और क्रूज जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। अगली डेस्टिनेशन है हनुमंतिया। हनुमंतिया मध्य प्रदेश पर्यटन में एक उभरता जल पर्यटन स्थल है। यह जगह भी सैलानी आइलैंड के पास ही है और खंडवा से सिर्फ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रुकने के लिए अभी केवल एक होटल हनुमंतिया पर्यटक परिसर है जो कि एमपी टूरिज्म का है। वाटर स्पोर्ट्स के साथ आप यहाँ बर्ड वॉचिंग और हिरण, चीतल, नील गाय जैसे जानवरों को भी देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है मढ़ई या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित मढ़ई तक पहुंचने के लिए आपको स्पीड बोट से जाना होता है। मढ़ई में एमपी टूरिज्म का गेस्ट हाउस है।
जहां इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। यहां आप कान्हा और बांधवगढ़ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। गेस्ट हाउस में रात को आने वाली जंगली जानवरों की आवाजें भी हर पल रोमांच का अनुभव देती हैं। शहरों के कोलाहल से दूर हमारी लिस्ट का अगला नाम है पारसिली। आई एम श्योर अधिकांश लोगों ने इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। जंगल के बीच से बहती बनास नदी इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। नदी के किनारे 4 किलोमीटर तक फैला नम रेत का बिस्तर है। इस प्राकृतिक कालीन पर नंगे पैर ट्रैकिंग करने का अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ देशी और विदेशी पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए पारसिली स्वर्ग से कम नहीं है। सातवीं और आखिरी डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश की ऐसी जगह है जो खुद में समेटे है भारत का गौरवशाली इतिहास। यह जगह है महाराजा छत्रसाल की राजधानी धुबेला। महाराजा छत्रसाल ने इस जगह पर कई ऐतिहासिक स्मारक बनवाए हैं। बुंदेलखंड की इस बुलंद जगह पर देखने के लिए बहुत कुछ है। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम, मस्तानी महल और धुबेला लेक, जहां से आपको रानी कमलापति का महल और समाधि भी दिख जाएगी। रानी कमलापति महाराजा छत्रसाल की पहली रानी थी। इंडिया के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर ही रखा गया है। आने वाले वेकेशन और वीकेंड्स की बकेट लिस्ट में इन जगहों को आप जरूर ऐड कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।